तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में ऑलराउंड म्यूजिक शर्मा के। तो फ्रेंड्स, मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई मैसेज ट्यून कैसे लगाते हैं रेडमी गो के फ़ोन में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास रेडमी गो का फ़ोन, और इसी वीडियो में आपको मैं डेवलपर ऑप्शन, कई भाई बोलते हैं कि भाई मेरे फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन नहीं है, उनको भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा डेवलपर ऑप्शन कैसे निकल जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करनी है, उसके बाद आपको सबसे पहले हम मैसेज की बात करते हैं, जो मैसेज ट्यून होती है उसकी बात करते हैं। साउंड पे जाना है। साउंड पे जाने के बाद आपको ये जो एडवांस है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोन रिंगटोन और नोटिफिकेशन साउंड और अलार्म साउंड के बाद तीन ऑप्शन मिल रही है। ये फ़ोन साउंड है, ये फ़ोन रिंगटोन है, ये जो फ़ोन रिंगटोन है ये, तो ये जो फ़ोन रिंगटोन है ये आपकी जो जैसे आपको कॉल आती है जो ट्यून बजती है वो है, इसको आप सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो मीडिया स्टोरेज है, मीडिया स्टोरेज का मतलब है जो जो आपके फ़ोन में अवेलेबल स्टोरेज है, जो आपकी ट्यून होती है फ़ोन में हो, और ये एक हो गया, ये आपका म्यूज़िक एक हो गया फाइल मैनेजर। तो ये तो मैंने सेट की है। अगर आप सेट करना चाहते हैं तो जस्ट वन पे क्लिक किया, उसके बाद कुछ भी चीज़ उसके कोई भी उसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद ओके कर, यहाँ से ओके कर लिया। ओके करने के बाद आपकी ट्यून रह जाए। और ये जो नोटिफिकेशन साउंड है इसका मतलब है मैसेज साउंड, मैसेज यही बता रहा था मैं भाई। यहाँ से आपकी मैसेज साउंड होगी, इसको आप उसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप म्यूज़िक रखना चाहते हैं कोई है, कुछ भी और भी रखना चाहते हैं तो म्यूज़िक पे क्लिक करें। और अगर आप स्टोरेज पे क्लिक करते हैं तो जो आपके फ़ोन में स्टोरेज है जो आपको पहले से ट्यून आई होती है उसके ऊपर क्लिक करें। तो जेंस पे क्लिक करने के बाद जो भी आप ट्यून रखना चाहते हैं कोई भी उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने ये रखा पिक्स डस्ट ये वाली ट्यून, उसके बाद आपने सिंपली ओके कर देना। ओके करने के बाद अलार्म साउंड, जैसे आप अलार्म रखते हो उसके लिए साउंड है। और उसके बाद डायल टैब टोन्स, ये आप जैसे भी करना चाहते हैं वो कर लो। अब आते हैं डेवलपर ऑप्शन के बारे में। जिन भाइयों के फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन नहीं है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका अबाउट फ़ोन है, हो सकता है कि इस फ़ोन में अबाउट फ़ोन में ये ना हो, कहीं और हो, तो अबाउट फ़ोन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके फ़ोन में ऐसा बिल्ड नंबर होगा, बिल्ड नंबर कहीं भी हो, ऐसा नहीं है कि वो आपका अबाउट फ़ोन में ही होगा, हो सकता है वो कहीं और होगा, जैसे सिस्टम में होगा या किसी भी में होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अबाउट फ़ोन में, उसके बाद आपको यहाँ पे 6 से 7 बार टैप करना है। ओके, क्लिक करना है, 1 5 6 7 हो गया 7 बार। उसके बाद नो नीड यू आर डेवलपर, इसका मतलब है कि आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन आ चुका है, अब आप इसे बैक करके सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद ये देखो आपके पास डेवलपर ऑप्शन। अगर मैं इस डेवलपर ऑप्शन को ऑफ कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, अब आपके सामने डेवलपर ऑप्शन कहीं भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अबाउट फ़ोन में जाने के बाद इस बिल्ड नंबर जो मैंने आपके पास बताया, तो उसके बाद 6-7 बार क्लिक करें। 6-7 कर दिए। अब आपके फ़ोन का पासवर्ड मांगेगा, जैसे मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ, जैसे मैंने पासवर्ड डाला, ओके, नाउ यू आर डेवलपर, मतलब आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन आ चुका है। अब आप सिस्टम में जाकर इसे मतलब चेक कर सकते हैं सिस्टम, और ये रहा आपका डेवलपर ऑप्शन। तो इसी के साथ होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरा भाई लाइक कर दिया अगर एक। इसी के साथ थैंक यू। और अगर किसी फ़ोन से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ थैंक यू।